नाज़रीन, आप देख रहे हैं जज्बा 24। मैं हूँ आपके साथ शबनम खान। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज डायरेक्टर मिस्टर मुख्तार साहब। इनसे आज हम रूबरू होंगे। सबसे पहले सर, आपका खैर मकदम हो जज्बा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी मौसम के हवाले से? जैसे पेशनगोई हमारी पहले से ही कि 18 शाम को जो कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश होंगी, बाकी 19 लेट आफ्टरनून से कुछ एक जगहों पे ओवर आउट होना मॉर्निंग से ही शुरू हो जाएगा 19 को, और 19 दोपहर बाद जो है मौसम बिल्कुल करवट लेगा और मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती है और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। तो ये लगभग 2 इंच से लेकर 4-5 इंच 6 इंच तक भी हो सकता है, खासकर जो बिल्कुल एक्सट्रीम हाई रिस्क। इसी मंथ या आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ में? नहीं नहीं, ये जो मैं 19 की बात कर रहा हूँ, 19 रात को, और उसके बाद 20th को जो है मौसम ओवर आउट होगा, हल्की बारिशें मॉर्निंग में भी रहेगी, तो बाद दोपहर लेट आफ्टरनून में जो है मौसम में फिर से सुधार होने आने के चांसेस है। सर, हम जानने की कोशिश कर देंगे कि जैसे आप समझ लें कि पूरे साल का हमें सिनेरियो कैसा देखने को मिला, चूँकि आप भी जानते हैं कि पहले जब ये साल शुरू हुआ तो शुरुआत में ही काफ़ी खुश्क देखने को मिला, लेकिन मानसून में ही काफ़ी बारिशें स्टार्ट होनी हो गई, तो पूरा साल का सिनेरियो क्या देखने को मिला? जैसे विंटर में इतना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं जैसे होता था, उसके बाद मार्च अप्रैल जो हमारा मेन रेनी सीजन है उसमें भी इतना कुछ बारिश जो है यहाँ देखने को नहीं मिला, बिल्कुल भी ड्राई निकल गया सारा जम्मू कश्मीर, खासकर मार्च अप्रैल में जो यहाँ का मेन जो वेटेस्ट मंथ होता है। तो उसके बाद जून में थोड़ी सी बारिशें हुई, जुलाई अगस्त ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा निकला, क्योंकि मानसून के जो बारिशें हैं उसका ज़्यादा इम्पेक्ट इतना ज़्यादा रहता नहीं है, खासकर यहाँ वादी में जो कश्मीर डिवीजन बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे भी इस साल अच्छी बारिशें हुई है, बहुत अच्छा फसल भी जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी हुई है। बिल्कुल, तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जैसे शुपियान, बांदीपोरा और जम्मू में किश्तवाड़ी है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी जगहों पर लगभग ऑन एन एवरेज +15 से लेकर 30% तक जो है सरप्लस बारिश हुआ है कस्टम मॉनसून के। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो ग्रोवर हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, अभी वो तो लगे ना अभी सेब वगैरह उतारने में ही लगे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? अभी जो रूटीन काम कर रहे हैं, जो हार्वेस्टिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कीजिएगा। उनको हमने पिछले कई प्रोग्रामों में भी हमने कहा था मीडिया के माध्यम से, कहीं क्या इलेक्ट्रॉनिक लोग है, तो बिल्कुल उनको जो भी काम अभी कर रहे हैं वो कंटिन्यू कीजिएगा। इतना ज़्यादा पेशन गई नहीं है स्नोफॉल का, बिल्कुल लाइट स्नोफॉल का असर हो गया तो मिडिल रीच में थोड़ा सा हो सकता है, तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होगा। बाकी मौसम जो है खुश, बाकी जो है आपका हायर रीच में बर्फ के चांसेस हैं, यहाँ मैदानी इलाकों में बारिशों के चांसेस हैं, और उसके बाद 20 लेट आफ्टरनून से जो है मौसम फिर से इम्प्रूव होगा और लगभग 27-28 अक्टूबर तक जो है मौसम बिल्कुल खुश रहेगा, खासकर जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुख्तार साहब, जिन्होंने एक बार अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी, और हमारे जो देखने वाले होंगे वो भी सतर्क रहेंगे कि 19 तारीख है उस पर थोड़ी सी हल्की सी बर्फबारी होगी, लेकिन वो भी पहाड़ी इलाकों में, जबकि मैदानी जो इलाके हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और अक्टूबर के महीने तक जो है खुश्क रहने के इम्कान हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए जज्बा 24।